हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फूड इंग्रेडिएंट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। वैसे फूड इंग्रेडिएंट्स के नाम बताइए जिन्हें हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फूड मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वैसे फूड मटेरियल्स के नाम बताइए जिन्हें हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। सो मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स कैन बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 मिल्क प्रोडक्ट्स यूज्ड वर्ल्ड ओवर। हमें वैसे 3 मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जिन्हें हम सारी दुनिया में यूज करते हैं। बटर, क्रीम, चीज, बटर मिल्क कैन बी योर आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, आर देयर एनी फूड मटेरियल्स दैट हैव अदर सोर्सेज देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कुछ ऐसे भी फूड मटेरियल्स हैं जिनका सोर्स जो है वो प्लांट और एनिमल के अलावा कुछ और हो, और अगर है तो हमें नाम बताना है। यस, सॉल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉल्ट मतलब नमक और वाटर मतलब पानी, ये ऐसे 2 फूड मटेरियल हैं जिन्हें हम ना ही प्लांट से और ना ही एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। व्हाई डू बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट। अगर हम सीड्स को बॉयल कर दें तो फिर वो अंकुरित क्यों नहीं होते। आंसर, बॉइलिंग किल्स द सीड्स। बॉयल करने से सीड्स जो हैं वो मर जाते हैं, इसीलिए वो अंकुरित नहीं होते, इसीलिए वो स्प्राउटेड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज बीज स्टोर हनी। मधुमक्खियां जो हैं वो शहद को, हनी को कहां पर स्टोर करती हैं। बीज स्टोर हनी इन बी हाइव्स। तो मधुमक्खियां जो हैं वो हनी को, शहद को अपने छत्तों में स्टोर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फूड ईटन बाय ह्यूमंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स। वैसे फूड मटेरियल का नाम बताइए जो इंसान खाते हैं और उस फूड को इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों मकोड़ों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हनी इज द ओनली फूड प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स दैट इज ईटन बाय ह्यूमंस। तो इंसानों के द्वारा खाए जाने वाला सिर्फ एक ऐसा फूड है और वो है हनी, जिसे कीड़े मकोड़े जो है प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल, तो कीड़े मकोड़ों के द्वारा प्रोड्यूस कर किया जाने वाला सिर्फ एकमात्र फूड हनी, शहद को ही ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम 1 प्लांट स्टेम एंड 1 प्लांट रूट फ्रॉम विच शुगर इज ऑब्टेन्ड। हमें एक प्लांट स्टेम एक तना बताना है और हमें एक प्लांट रूट एक जड़ बताना है जिससे कि हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो वह है सुगर केन, गन्ना, वो स्टेम में आता है, और अगर हम रूट की बात करें तो वह है बीट रूट, चुकंदर, और इन दोनों से हमें शुगर प्राप्त किया जा सकता है, इन दोनों से हमें शुगर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द पीपल ऑफ अ विलेज ईट लॉट्स ऑफ राइस, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। एक गाँव के लोग जो है वो बहुत सारा चावल खाते हैं, झींगों को खाते हैं और केकड़ों को खाते हैं। वेयर डू यू थिंक इज़ द विलेज लोकेटेड। आपको क्या लगता है कि ये गांव जो है वो कहां पर सिचुएटेड हो सकता है कि अगर वहां के लोग चावल खाते हैं, झींगे मछलियों को खाते हैं और केकड़ों को खाते हैं। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं हमें कहीं ना कहीं पानी के करीब ही मिल सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं द विलेज इज़ लोकेटेड नियर द सी। ये गाँव जो है वो समुद्र के पास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, Who आर नॉन vegetarians? नॉन vegetarians कौन होते हैं, मांसाहारी कौन होते हैं। पीपल हु ईट मीट, फिश, एग एंड अदर फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन आर नॉन vegetarians। तो वैसे लोग जो मांस खाते हैं, मछलियों को खाते हैं, अंडों को खाते हैं, या वैसे दूसरे फूड को खाते हैं जिनका ओरिजिन जो है वो एनिमल से है, वैसे फूड जो कि जानवरों से या उनके मीट से बना हुआ है, तो वैसे लोगों को हम लोग नॉन vegetarians कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हुज मोर देन 1 पार्ट इज ईटन एज अ फूड। तो हमें एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसके एक से ज़्यादा हिस्सों को है खाया जा सकता है, एज अ फूड मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। तो वो है मस्टर्ड, सरसों, सरसों का साग भी लोग खाता है और सरसों के सीड को
सीड से हम ऑयल भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर मिल्क एनिमल्स, तो मिल्च एनिमल्स कौन होते हैं। द मिल्क यील्डिंग एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड गोट्स आर कॉल्ड अ मिल्च एनिमल्स। तो वैसे एनिमल्स जिनसे हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंसे हो, चाहे वो बकरियां हो, इन्हें हम लोग मिल्च एनिमल्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेस इन आवर फूड, हमारे खाने में जो स्पाइसेस डाले जाते हैं, जो मसाले डाले जाते हैं, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। लेट्स सी द आंसर। स्पाइसेस एड फ्लेवर एंड एरोमा टू आवर फूड ड्यू टू विच आवर फूड बिकम्स टेस्टी। जो मसाले हैं वो हमारे खानों में फ्लेवर, सुगंध और स्वाद को, टेस्ट को ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो इस तरह से हमने क्लासिक्स NCERT साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, फिर उसके बाद हम लोग हॉट्स को डिस्कस करेंगे। तो इन सभी वीडियोज़ को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।